हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 9 और 10। जी दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैं क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 8 तक आपको करवा चुका हूँ। सारी वीडियो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाके अब मेरे पिछले लेक्चर देख सकते हैं। नहीं तो मैं पिछले सब वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करूंगा, आप वहाँ से भी पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर का मोटिव होगा वो आपको कराना होगा सोल्यूशन नंबर 9th और 10th, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन इन चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखे हैं, आइए अब करते हैं वन बाय वन इनका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस आर ₹1,20,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटी आर ₹20,000, कैलकुलेट टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस। हमें कैपिटल बता रखी है कि कितनी है बिजनेस की, और हमें लाइबिलिटी बता रखी है कि बिजनेस में कितनी लाइबिलिटी है। हमें टोटल एसेट निकालना है, तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टोटल एसेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो टोटल एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है एसेट इक्वल में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये फॉर्मूला की मदद से हम टोटल एसेट इजिली निकाल लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एसेट की जगह पे एसेट ही लिखना है, इक्वल डालिए। फिर अब लाइबिलिटी हमें कितनी दे रखी है, 20,000, तो लाइबिलिटी के अंडर आप 20,000 लिख दीजिए, प्लस कैपिटल में आप लिख दीजिए 1,20,000। इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आएगा 1,40,000। तो हमारा पहला सोल्यूशन हो भी गया, तो हमारी एसेट कितनी निकली है, 1,40,000। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और जो वैल्यू आपको गिवन है उसको आपको पुट करना है। इसके बाद आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना एसेट कंपनी के पास, कितना एसेट है। तो एसेट कितना है कंपनी के पास, 1,40,000। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमें, इफ द टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस आर ₹1,30,000 एंड कैपिटल ₹80,000, कैलकुलेट क्रेडिटर। तो इसमें भी कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है। उसने कहा है कि कैलकुलेट करना है हमें क्रेडिटर, और हमें एसेट और कैपिटल बता रखा है। तो क्रेडिटर क्या होते हैं, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है। तो सेम फॉर्मूले से हम लाइबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि जब हम लाइबिलिटी निकाल लेंगे तो वो हमारा क्रेडिटर ही निकलेगा। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा। फॉर्मूला सेम वही है, एसेट इज इक्वल टू में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इस बार हमें क्या करना है, हमें लाइबिलिटी निकालनी है, क्योंकि क्रेडिटर क्या होते हैं, लाइबिलिटी एक तरह की कर्ज है कंपनी पे, एक बिजनेस पे। तो हमें लाइबिलिटी निकालनी है। एसेट हमें कितने दे रखे हैं, 1,30,000। तो आप एसेट के अंडर में 1,30,000 लिख दीजिए, इक्वल डालिए। लाइबिलिटी में आप लाइबिलिटी लिखिए, प्लस कैपिटल हमें कितनी दे रखी है, कैपिटल हमें 80,000 दे रखी है। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है 1,30,000। अब प्लस में था, यहाँ पे क्या था, कैपिटल प्लस में 80,000 था, तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आने पे ये माइनस में 80,000 हो जाएगा। इक्वल में आप लाइबिलिटी लिखिए। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 1,30,000 में से 80,000 जाएंगे तो कितना बचेगा, 50,000। तो देखिए हमारी लाइबिलिटी कितनी आई, 50,000। तो इस तरीके से आप सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा सिंपल थे, जो कि आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इन क्वेश्चन को करना कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो कि एसेट का फॉर्मूला होता है, एसेट इक्वल में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसकी मदद से आप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कर पाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।